मोहम आप प्लीज बैठिए। करण तुमने उनसे कह दिया ना कि रूही के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। मोहम प्लीज आप बार बार वही टॉपिक क्यों छेड़ रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लंदन जा रहे हैं ना आपकी ट्रीटमेंट के लिए, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार आप ठीक हो जाए फिर हम बात करेंगे। अब प्लीज बैठिए। करण ना बहुत समझदार लड़का है, आई एम श्योर वो सुधा जी को समझा देगा। हाँ रोहित, शादी पोस्टपोन ही तो हुई है ना, कैंसर थोड़ी हो रही है। हाँ डोंट वरी यार, हो जाएगी शादी। मेरी तबीयत गई भाड़ में, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये जो शादी का कीड़ा है ना, सबसे पहले उसे बाहर निकाल, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ रूही के साथ मैं तुम्हारी शादी कभी होने ही नहीं दूंगी। तू क्या समझता है, आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या? तू सिर्फ मुझे बोल, लड़कियों की लाइन लगा दूंगी तेरे से शादी कराने के लिए। Enough is enough, Mom. आप एक औरत होके ऐसे कैसे बात कर सकती है रूही के बारे में? तो क्या करूँ मैं, तू एक बांझ को बहू बनाकर घर ले आएगा और मैं ये तमाशा देखती रहूंगी? स्टॉप इट मॉम, स्टॉप इट। मैं रूही से प्यार करता हूँ, कैसी बातें कर रहे हो? रूही अगर प्यार सच्चा हो ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पासपोर्ट पापा, ये करण का पासपोर्ट है, ये भूल गया आई थिंक, गलती से उसके हाथ से गिर गया, मुझे ये लौटाने जाना होगा। चलो चलो। इसकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? एक काम कर, दूसरी गाड़ी में चलते चलते हैं क्या? मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मैं भी बेवकूफ हूँ, तुम सब यहाँ रुको। इनकेस करण या सुधा जी वापस आए तो घर पे कोई तो होना चाहिए, है ना? रूही पासपोर्ट दो। करण को फोन करो, उनकी कॉलिंग एयरपोर्ट अथॉरिटीज, जल्दी चलो रूही। चल मॉम प्लीज, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, मैं रूही से प्यार करता हूँ। आपके ये सब कहने से मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हो जाएंगी रूही के लिए? रूही ये लड़की बाज नहीं आएगी, आज मैं इसे समझा कर ही रहूंगी। मॉम प्लीज, आपको मेरी कसम है, रूही से कुछ नहीं कहेंगे। मॉम प्लीज, मॉम ये मत कीजिए, फोन छोड़। नहीं मॉम प्लीज, बात करती रहूंगी। मॉम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मॉम मॉम सॉरी। करण कब से फोन क्यों नहीं उठा रहा, उसे पता तो चले कि पापा ला रहे हैं पासपोर्ट, वो कभी उठा रहा है। हेलो करण, तुम्हारा पास हेलो करण, आरोही। हाँ पापा पहुंच गए। मैं बस मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। रोहित सुधा जी और करण की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एयरपोर्ट रोड पे। करण, सुधा जी सुधा जी, कुछ नहीं, आप ठीक तो है?
करण वो एक्चुअली तो अपना पासपोर्ट घर पे भूल गए थे, तो पापा लौटाने के लिए आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कितना आप लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम सब यहाँ आ गए। करण रुको, मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेके आऊंगी। बेटा बेटा मैं कहीं नहीं जा रही अपने बहू के बिना। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया रोई, बारिश के मुंह में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हारी अच्छाई मुझे दिखाई नहीं दी। सके तो मुझे माफ कर देना। I'm truly sorry, रमन। मैंने बहुत बहुत गलत बर्ताव किया है तुम्हारे साथ। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। बस मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द हमें दोनों की शादी करवा देते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। थैंक यू, लव यू, लव यू। हाँ यो, हाँ डोंट वरी, मिल गए हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। हम घर पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो। चलिए आइए, चलिए चलिए। मॉम, और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए आपको वारिस की जरूरत है, और इसी बात को लेकर मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं और रूही हम दोनों ऑर्फनेज से एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट नहीं करण, एडॉप्ट मत करना। ऐसी बात नहीं कि मैं एडॉप्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन रमन मैं बार बार एक ही सवाल मैं खुद से पूछती हूँ, जिस बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं चाहती, क्या मैं उस बच्चे को उतना प्यार दे पाऊंगी जितना मैं अपने खून को देती? और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना रमन, तो क्या उस बच्चे के साथ वो नाइंसाफी नहीं होगी? करण, प्लीज, ये वारिस एडॉप्शन इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। पर मॉम, इनफ। रमन, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। चलो, एक्सीडेंट की वजह से ही सही सुधा जी मान तो गए शादी के लिए, अब हम रूही की शादी धूमधाम से करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये शादी हमें कैंसिल कर देनी चाहिए। रूही, बात क्या है, मैं देख रही हूँ सब खुश है, करण तो तुम्हारे साथ है ही, सुधा जी भी मान गई है, पर तुम खुश नहीं दिख रही हो। आई नो मॉम मान चुकी है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि आगे चलकर हम कोई बच्चे को अडॉप्ट करें, तो फिर ऐसी शादी का क्या फायदा है शिमा, जहाँ हम दोनों कभी खुश ही नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ कि मॉम और करण को बच्चे कितने पसंद है, और शादी के बाद मैं कभी भी करण को बाप बनने की खुशी नहीं दे पाऊंगी। एक बार अगर करण ने मुझसे शादी कर ली, जिंदगी भर वो बाप बनने की खुशी नहीं महसूस कर पाएगा। आप लोगों ने एक बार भी सोचा है कि उसका मन बदल गया तो हमारे रिलेशनशिप में क्या असर आएगा उसका? इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ। ये शादी नहीं होने वाली है, मतलब नहीं होने वाली है, बात खत्म। मेरी रूही इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदारी की बातें करने लगी। रूही, अगर तुम समझदार हो गई हो ना, तो करण भी कम नहीं है, मैच्योर माइंड, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा वो। आपको क्या लगता है पापा, मुझे ये सब नहीं पता है। आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये सब हो, उसे आगे चल के रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना। आप अभी उसे फोन करिए और बोल दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती। And that's my final decision. Why don't you understand? Exactly, Ruhi. With times things will change. वो लोग की thinking evolve होगी, सब कुछ बदल जाएगा, everything will be fine. ऐसा decision मत लो। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? तुम overthink कर रही हो। मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। ये शादी नहीं होने वाली है, मतलब नहीं होने वाली है। Ruhi, listen to me. I think Ruhi is right. What is wrong with you? दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोले जा रही है? रमन, आप जानते हो मैं क्या कह रही हूँ, आपको मेरा मतलब समझ में आ रहा होगा। शीता, what is wrong with you? तुम रूही को सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। करण इज अ नाइस गाय, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा,
और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, खुश रहेंगे। हाँ कब, और हम रूही को समझा लेंगे ना, अभी वो बहुत ज्यादा इमोशनल है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। I'm sure थोड़ी देर में she'll realize, वो ठीक हो जाएगी। और रिश्ता इस बार तेरी एक भी नहीं चलेगी, ठीक है? अरे अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी होगा, और शादी नहीं करना इस मसले का हल नहीं है, ठीक है? इश्ता इस बात का फैसला घर के बड़े करेंगे। कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई दूर तक देखना ही नहीं चाहता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।